हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए और वहां जाके आपको भी दिखाएंगे कैसे होते हैं यहां के स्ट्रॉबेरी के फार्म्स। तो आ जाइए, आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ ये ट्रिप। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अपनी टिकट्स लेने के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सभी के लिए, जो भी यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए, यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है। इट्स फॉर द पब्लिक, सो एनीबडी कैन यूज दैट। उस तरफ आप देख रहे हैं वहाँ पे रेस्ट रूम्स है और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई है, वाटर, कॉफी, स्नैक्स। और ये यहाँ पे टाको का एक फूड ट्रक भी खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप चाहे तो आप स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं। ये भी फैसिलिटी है यहाँ पे सभी के लिए, जो भी पब्लिक आती है उनके लिए। और बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप बाउंसीज वगैरह लगाए गए हैं बच्चों के लिए। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ से अपनी अपनी जो हमारी बकेट है वो लेंगे और इसके बाद हम लोग जाएंगे स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए। सो ये आ गई हमारी बकेट्स। तो फाइनली अब हम लोग फार्म्स के अंदर जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए। यहाँ पे लिखा है नो लॉन्ग स्टेम्स, डू नॉट ओवरफिल बकेट्स। हेलो हेलो, ओह दे हैव स्ट्रॉबेरीज। Wow! It tastes good. The strawberries. Yes, very good. Yeah. Oh, nice. Can I see that? Oh, very nice strawberries. They are fresh. Yeah. So, guys, finally we are in, and we are going to pick the strawberries. I'm so excited. And here is my daughter Anisha. They are my nephew. Okay. Hi. And she's Ara. And they gave us scissors as well to pick the strawberries. So here is my scissor. देख सकते हैं आप, काफी लोग आए हुए यहाँ पे, बच्चे भी आए हैं। It's like a fun for the whole family. So I'm so excited, and now I'm going to pick my strawberries. और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती। मैं इंडिया में थी, हम लोग नैनीताल गए थे, तो वहाँ पे एप्पल ऑर्कर्ड था और भी फ्रूट्स थे, लाइक प्लम थे, एप्रिकॉट्स थे, मैंने वो भी तोड़े थे। और जब मुझे पता चला यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का फार्म है अमेरिका में, तो आई वाज सो एक्साइटेड कि फॉर श्योर मैं जाऊँगी। एंड फाइनली नाउ वी आर हियर। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज लगी है यहाँ पे। गाइज, आप देख सकते हैं कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज लगी है यहाँ पे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए दिस वन। या दिस वन, हाय गाइस, माय वन स्ट्रॉबेरी, द फर्स्ट वन। और देख सकते हैं आप, मेरे तो हाथ भी लाल हो गए, बट इट्स फाइन। मुझे तो हाथ से तोड़ने में ही मज़ा आता है, इंस्टेड ऑफ जो सीजर मिली है यहाँ से तोड़ने में टाइम भी लगता है और फिर उतना मज़ा नहीं आता जितना हाथ से तोड़ने में आता है। गाइस देखिए कितनी लाल है ये, ओह माय गॉड, लेट्स टेक इट आउट। आई थिंक सीजर्स जो हमें मिली है उससे तोड़ने में मुझे तो इतना कम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा जितना मुझे हाथ से तोड़ने में मज़ा आता है। और ये ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज है जो कि बहुत टेस्टी होती है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। ऑलमोस्ट मेरी जो बकेट है वो फिल हो गई है, बकेट थोड़ी छोटी पड़ रही है, इससे बड़ी होती तो और ज़्यादा फिल करते इसको, बट यहाँ पे ओवरफिलिंग बना है, बट आई रियली वॉन्ट टू डू दैट। तो यहाँ पर आपको बता दूँ गाइज, ये जो बकेट है ये पर पर्सन $10 की है, तो ओवरफिल करना तो बनता है ना, बट यहाँ पे लिखा है ओवरफिल नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे, बट
हमने यहाँ पे काफ़ी टेस्ट भी कर लिए, तो जितना चाहे आप खा सकते हैं, इसकी छूट है यहाँ पे। आर्यन, हाउ डू यू लाइक इट? गुड। हाउ मेनी यू हैव कलेक्ट? प्रेस योर बकेट, आई वांट टू सी दैट। ओह वाह, सो यू हैव स्पेस, कैन यू शो मी? ओह गुड, ओके, फिल इट, फिल इट। मुझे पता नहीं, खेत वगैरह में जाना और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपने गांव जाती थी तब भी मैं जो हमारे आम के बाग थे वहां जाके तोड़ा करती थी, बड़ा मज़ा आता था। लोग यहां पे अपने बच्चों को भी बिठा के लाए स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए, देखिए वो मेरी भी एंजॉय कर रही है। और ये उसकी मॉम है, ये देखिए इधर भी ऑलमोस्ट लोगों की जो बकेट है वो फिल हो गई है। ये हमारी बेबी है अनीशा, ये क्या देखो? Let me show her. ये कैसे रिएक्शन देती है? अनीशा लो स्ट्रॉबेरी खाओ, अनीशा लो स्ट्रॉबेरी लो। ये देखो हमारी डॉटर ने एक स्ट्रॉबेरी उठा ली है एंड शी इज एंजॉयिंग दैट। अनीशा हैव इट, हैव इट, अनी और ले लो, अनीशा लो। ये यू लाइक इट? अनीशा यू लाइक इट? ओके गाइस, तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गाइस इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो गाइस थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।